नमस्कार। जिनका काम है उत्तराखंड में लोगों की आवाज़ उठाना, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी। धस्माना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार निजीकरण का जो राजनीतिक चल रहा है आबोहवा, कि हर चीज़ निजीकरण की जा रही है, बेची जा रही है, तो अब गाज गिरने की बारी उत्तराखंड की आ गई और टिहरी डैम THDC का भी निजीकरण होने जा रहा है, उस बारे में कांग्रेस कैसे आवाज़ प्रबल कर रही है? देखिए, बात सच है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 5 ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जो लाभ देने वाले हैं, जिनमें भारत पेट्रोलियम है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और साथ ही उत्तराखंड का एक बड़ा, उत्तराखंड की आन बान शान, और एक ज़माने में कहते थे कि एशिया की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना। मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत में अभी भी, आज की तारीख में भी, वो सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है जिसको हम टिहरी डैम कहते हैं, जिसको टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चलाता है और हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा वो कमा के हर साल केंद्र को भी देता है, उत्तर प्रदेश को भी देता है और उत्तराखंड को भी देता है। उस लाभकारी उपक्रम को 100% केंद्र सरकार का, जो लगभग 74% उसमें हिस्सेदारी है, उसको बेचने का काम केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस को यह है कि टिहरी डैम के लिए टिहरी के लोगों ने और टिहरी के साथ साथ 152 गांव जो टिहरी शहर के साथ लगे हुए थे और उस पूरे डैम क्षेत्र में, जिसको डूब क्षेत्र कहते हैं, उसमें आते थे, उन लोगों ने अपना घर, अपना गांव, अपना शहर, अपनी सदियों पुरानी संस्कृति, अपनी सारी पुरखों की यादें वो देश के लिए कुर्बान कर दी। क्योंकि टिहरी डैम से एक परसेप्शन था कि देश का विकास होगा, जब बिजली बनेगी तो बिजली उत्तर प्रदेश को भी मिलेगी, बिजली उत्तराखंड को भी मिलेगी। उस ज़माने में तो उत्तर प्रदेश ही था, उत्तराखंड तो था नहीं जब ये शुरू हुआ था। 1969 में सबसे पहले इसका प्रपोजल आया था तो उस समय उत्तर प्रदेश था। तो लोगों को एक कल्पना थी कि इतना बड़ा डैम बनेगा और 2400 मेगावाट बिजली इससे बनेगी। 1000-1400 तीन फेजेस का ये डैम था, लास्ट फेज इसका कोटेश्वर डैम था। तो इतनी बड़ी परियोजना से देश में रोशनी होगी, देश में विकास होगा और टिहरी के लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना घर, अपना गांव, अपनी संस्कृति, अपनी पुरखों की यादें, सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन उस कुर्बानी को देने के बावजूद भी जो THDC का निजीकरण हो रहा है, क्या ये अंधकार की तरफ वाली राजनीति नहीं है? नहीं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी करी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। उनका केवल योगदान तब याद किया जाता था जैसे टिहरी डैम मुँह से निकलता था, तो टिहरी डैम मतलब हजारों लोगों को पुनर्वास करके, उनको उजाड़ के दूसरी जगह, अनजान जगह, ऐसी जगह जो बसने योग्य भी नहीं थी। कई जब हम उन जगहों पर जाते हैं जिन जगहों पर टिहरी के जो उजड़े हुए लोग हैं, टिहरी डूब क्षेत्र के जो विस्थापित लोग हैं, उन जगहों पे आप जाएंगे, आज जाएंगे तो आपको कुछ नज़र आ जाएगा, लेकिन आप आज से एक दशक, दो दशक पहले जाते, आप भानिया वाला देहरादून का हिस्सा है वहाँ जाते, तो हम वहाँ जो जाते थे, हम एक गैती मारते थे तो नीचे से पत्थर निकलता था। ऐसी ज़मीन उनको दी, सबसे बेकार ज़मीन, और उन लोगों ने उफ तक नहीं करी और कुर्बानी दे दी। लेकिन आज जब टिहरी डैम का नाम ही समाप्त हो जाएगा, टिहरी डैम विलुप्त हो जाएगा, NTPC उसको टेक ओवर कर लेगी, तो टिहरी डैम कहा जाएगा, तो NTPC हो जाएगा। तो टिहरी के लोगों ने जो कुर्बानी दी थी, इतिहास से टिहरी के नाम को समाप्त करने की साजिश जो मोदी सरकार ने करी है, त्रिवेंद्र रावत की सरकार के कंधे पर बंदूक रख के, क्योंकि बिना त्रिवेंद्र सरकार के तो, बिना उनकी कंसेंट के तो बिक नहीं सकता, क्योंकि वो तो हमारे राज्य की जल विद्युत परियोजना है, हमारे राज्य का उसका एक हिस्सेदारी है, हमारे राज्य का उसमें एक हिस्सा है, तो आप बिना उत्तराखंड को विश्वास में लिए तो कर नहीं सकते थे। तो त्रिवेंद्र रावत जी की कलम से डेथ वारंट पे साइन हुए और उस डेथ वारंट पे फांसी की सजा टिहरी नाम को मोदी जी ने, हमारे उत्तराखंड की जनता को, जिन्होंने 2014 में पांचों पार्लियामेंट,
2019 में पांचों पार्लियामेंट और 2017 में 57 विधायकों का इतना प्रचंड बहुमत उनको देकर के सरकार बनाई, उसका इनाम मोदी जी ने टीरी को फांसी की सजा सुना करके, टीरी का नाम समाप्त करके, टीरी को विलुप्त करके, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप ये जो फांसी का फंदा लटक रहा है THDC डैम का, क्या आप उसको हटाने के लिए काम करेंगे? आप तो एक डेंगू बुखार हो जाता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, पहुंच जाते हैं, ये तो लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है, इसमें आप किस प्रकार अपनी आवाज प्रबल करेंगे? ये टीरी की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, ये टीरी की पहचान से जुड़ा हुआ मामला है, और टीरी की अस्मिता और टीरी की पहचान के लिए कांग्रेस पार्टी हर कुर्बानी के लिए तैयार है। हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर कल पूरे प्रदेश के अंदर उत्तराखंड के कांग्रेस जनों ने जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन करने का काम किया। 2 तारीख को हम प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में टीरी कूच कर रहे हैं। 7:30 बजे हम यहाँ से चलेंगे, टीरी पहुँचेंगे और THDC के दफ्तर के सामने भागीरथीपुरम में वहाँ पर धरना देंगे, और उसके बाद हाउस है 3 तारीख से, त्रिवेंद्र सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। विधानसभा के अंदर प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, इंदिरा हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस के सारे विधायक टीरी के मसले को विधानसभा में उठाएंगे, और जब विधानसभा समाप्त हो जाएगी उसके बाद फिर सड़कों पर उतर करके टीरी की लड़ाई को अंतिम सांस तक, आर और पार की लड़ाई है ये, टीरी की अस्मिता की लड़ाई है, और टीरी वो धरती रही है जिसने क्रांतिकारी पैदा किए, टीरी वो धरती रही है जिसने सिरदेव सुमन जैसे, जिन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे राजशाही के खिलाफ लड़ते हुए, नागेंद्र सकलानी और तमाम बड़े बड़े क्रांतिकारी इस टीरी ने दिए हैं। तो टीरी के लोगों के लिए हम अपनी आवाज़ पूरी तरह से बुलंद करेंगे और ये लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई होगी। आपने हमेशा मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला कि मैं एयर कंडीशन राजनीति का विरोध करता हूँ, सड़कों पे आओ, तो अब तो बिल्कुल अस्मिता का सवाल है, क्या कांग्रेस बिल्कुल सड़कों पे आएगी, विधानसभा घेराव करेगी? हम सड़क पे हैं, पुतला सड़क पे तो जलता है, पुतला घर में थोड़ी जलता है, और 2 तारीख को जब टीरी कूच कर रहे तो सड़क मार्ग से ही जाएंगे, हवाई मार्ग से तो नहीं जाएंगे। हम सड़क के लोग हैं, सड़क पर संघर्ष करेंगे और अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी टीरी के लोगों के साथ हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक प्रश्न और आपसे पूछना है इस संदर्भ में कि जिस प्रकार जितने भी धाम हैं, देवभूमि उत्तराखंड है, जितने धाम हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, इन सबको एक श्राइन बोर्ड बनाया जा रहा है, जिस प्रकार वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है, उस बारे में आपकी क्या राय है? 152 लगभग मंदिरों को और धामों को इकट्ठा करके एक श्राइन बोर्ड बनाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ये कैसी नीति है? देखिए, हम प्रगतिशील किसी भी काम के लिए हम उसके विरोधी नहीं हैं। रिफॉर्म्स होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, विकास के लिए नए प्रयोग भी होने चाहिए, लेकिन आप जिनके लिए कर रहे हो उनको विश्वास में तो लीजिए। बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमारे उत्तराखंड की शान है, और उत्तराखंड की शान नहीं है बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया में जो सनातन परंपरा को मानने वाले हिंदू धर्म के लोग हैं वो अगाध श्रद्धा रखते हैं। बद्रीनाथ जी को साक्षात विष्णु का अवतार मानते हैं, केदारनाथ जी को साक्षात शंकर भगवान का अवतार मानते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री जहाँ से गंगा जी का उद्गम है, जहाँ से यमुना जी का उद्गम है, ये हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी धरोहर हैं जिनके ऊपर हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को गर्व है। आप उनका मैनेजमेंट करना चाहते हैं श्राइन बोर्ड बना करके, तो आप जो वहाँ पर देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं सदियों से, पंडा पुरोहित, उनका उनके हक हकूक के बारे में क्या कर रहे हैं आप, उनको विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? और हमारी सनातन परंपरा में तो बिना गुरु के भगवान भी नहीं है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवाय महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु जो वहाँ पर बैठा है, जो भगवान से मुलाकात कराने वाला है, भगवान के पास हमारी प्रार्थना को पहुंचाने वाला है, कर्मकांड करने वाला है, वहाँ पर पिंड दान करता है, वहाँ पर हमारा तमाम जो जितने भी हमारी पद्धतियाँ हैं सनातन परंपरा की, उनको जो वहाँ पर संपादित करता है, उसके हक हकूक के बारे में आप क्या कर रहे हैं? उनके आपने क्यों नहीं उनको विश्वास में लिया? और जब आपने विश्वास में नहीं लिया तो आज पूरे प्रदेश के अंदर जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जितने मंदिर हैं, जितने मठ हैं, जितने धाम हैं, उनके जो पंडा पुरोहित हैं उनमें बहुत भारी आक्रोश है, और कांग्रेस उस आक्रोश को संबोधित करना चाहती है। कांग्रेस आपकी राय क्या है, इस भ्रम की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, क्या किया? कांग्रेस चाहती है उनको विश्वास में लें आप, वो एक वर्ग है पूरा, सर्वसम्मति से वो एक वर्ग है,
वो पूरी एक कम्युनिटी है, आप उस कम्युनिटी को दरकिनार और आइसोलेट थोड़ी कर सकते हैं। केवल अमित शाह जी को बड़े बड़े बैग भरने के लिए आप बद्रीनाथ और केदारनाथ के खजाने पे डाका थोड़ी डाल सकते हैं। महाराष्ट्र आपके हाथ से छिन गया, आप रो रहे हैं कि आर्थिक राजधानी चली गई, तो उसकी भरपाई कहाँ से करो, बद्रीनाथ जी से, केदारनाथ जी से, यहाँ की तिजोरियों से? तो इसलिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड के सारे जितने धाम हैं, जितने मठ हैं, जितने मंदिर हैं, जितने सिद्धपीठ हैं, सरकार उनका मैनेजमेंट करने के लिए श्राइन बोर्ड बनावे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर के, जो लोग आज तक उसका संचालन करते रहे उनको विश्वास में लेकर के। धन्यवाद जी, आज अपने आपने अपनी बात रखी, जो आपका स्टाइल है प्रबलता से आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।